namaste yogi yogis hello and welcome back to yet another exciting series of episode and today is takeaway tuesday we are going to talk about a book named the 10 new life-changing skills so this is a book which is written by rajesh srivastava uh, we are going to talk about few very important and uh, points that are ignored most of the time so i'm not going to talk about all the 10 points that he's written about but some that I felt that we need to talk about so starting with the first one is what is creativity creativity is a learned skill which is activated when traditional thinking is bypassed and imagination is allowed to wind up freely to come up with big ideas so if you if you ever see children like chote bache, because main zyada examples unke de rahi because we khud ki ek baby hai. एंड uh, जब भी मैं उनको देखती हूँ कि वो खेलते हैं या कोई चीज़ उनको चाहिए तो उनका जो मैं देखती हूँ ना स्पेस यूज़ करने का तरीका हो गया या कोई चीज़ उनको चाहिए तो वो जिस तरह से उस चीज़ तक पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं जिस तरह से वो रास्ते निकालते हैं वो बहुत क्रिएटिव रहता है uh, हम लोग अगर हमेशा बच्चों को मॉनिटर करते रहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे नहीं ऐसे करो ये लो वो लो तो फिर वो उनका ब्रेन उनकी चीज यूज ही नहीं करेगी ये मैं बहुत बार अपने आ, इन लॉज को भी बोलती रहती हूँ बिकॉज वो ऑब्वियसली आउट ऑफ केयर आउट ऑफ लव हमेशा बोलते रहते हैं अरे हुशिका आपने ऐसे नहीं करना चाहिए ये नहीं करना वो नहीं करना तो क्या हो जाता है वो ब्रेन में कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोगों का ब्रेन ऐसे सेट है हम लोगों को जो चीज़ रिपीटिवली बोलती जाएगी तो वो हम लोगों के लिए हमेशा वही हम लोग सुनेगा Uh, सुनेंगे तो uh, गौर करने की बात ये होती है कि हमारे स्टेटमेंट्स में जितनी बार ना वर्ड आएगा वो उतनी बार उसको हैमर करता जाएगा एंड कोई भी चीज़ वो शुरू करने से पहले फिर वो बोलेगी अरे ये तो नहीं हो पाएगा अरे ये तो नहीं बिकॉज उसके लिए वो बहुत फैमिलियर वर्ड रहेगा सो so, अभी जब आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हो ऑब्वियसली नहीं बोलना हम लोग हर चीज के लिए तो हाँ नहीं बोल सकते मगर 90 95 परसेंट ट्राई करिए कि उनको वो चीज से डाइवर्ट करके दूसरी चीज में अटेंशन लाने की कोशिश करिए पहली चीज दूसरी चीज उनको आ, फ्री छोड़िए उनको कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने दीजिए फॉर आई विल टेल यू हमशिका को मैं एक दिन नहला रही थी बहुत अभी हमेशा हम जब बच्चों को नहलाते हम लोग उतना प्रिकॉशन लेते हैं कि उनको यू नो you know, बहुत गर्म पानी है, ऐसे चीजें नहीं हम लोगों को यूज करनी चाहिए तो मैंने एक छोटे से कटोरे में जब मैं उनको नहला रही थी तो आ, थोड़ा सा लुकवम थोड़ा ज्यादा इतना कि हम लोग सस्टेन कर सकते हैं इतना गर्म पानी था कि वो सस्टेन हो सकता है वो सुन नहीं रहते सुन नहीं रहते और वो बड़े इसमें बड़े जो अपना बकेट रहता है उसमें हाथ डालेंगे वो ज्यादा गर्म था वो शिफ्ट करके मैंने वो छोटे से कटोरी में थोड़ा सा गरम थोड़ा सा गरम पानी ऐसे रखा तो जैसे ही वो खेलने लगे वो बाल्टी में हाथ डालेंगे मैंने उनको वो बाल्टी हटा दी थी अभी कटोरी रख दी थी कटोरी ठंडे पानी की और थोड़े से गरम पानी की ऐसे रखी थी तो जब वो हाथ डाल रहे थे ठंडे पानी में तो कुछ हुआ नहीं वो छोटा सा गर्म पानी से मैंने बहुत बार उनको प्रिकॉशन की अरे वो गर्म है बेटा तो ऑब्वियसली एक नाइन मंथ्स का बेबी तो तुरंत नहीं समझेगा वो चीज है तो उन्होंने जब वो बर्ल को जब हाथ लगाया उनको वो थोड़ा सा गर्म लगा वो वैसे ही बाजू सरक गए सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट यू हैव टू टेल योर किड्स एंड यू डोंट हैव टू ऑलवेज बी नेगेटिव और टेक अवे देम फ्रॉम देयर लर्निंग्स गिव देम डिफरेंट लेसन मगर उनका एक ट्रिक आपको ऑब्वियसली एज अ पेरेंट आप ढूंढोगे नए नए ट्रिक्स तो ऐसे ट्रिक्स ढूंढो और उनको इमेजिनेशन या उनको कोई चीज करने का अपना एरिया दे दो जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं हमशिका को बाहर लेकर जाती हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे उनको नीचे मत खेलने दो उनको नीचे अगर वो मिट्टी में लोटपोट करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे पेरेंट्स को पसंद नहीं आता मुझे आता है बिकॉज मुझे पता है मिट्टी के बेनिफिट्स एक तो मिट्टी पहले तो आजकल तो देखने के लिए नहीं मिल रही अच्छी वाली मिट्टी जहाँ आपको मिल जाती है तो आपने आपके बच्चों को खेलना देना चाहिए बिकॉज दैट इज द वे टू कनेक्ट विथ नेचर द टाइम शी गेट्स कनेक्टेड शी टचेज दैट मड एंड वो जो खेल वो एक्सपीरियंस जो रहता है सॉइल का वो बहुत अलग रहता है सी दैट हैप्पीनेस इन एंड वो बहुत अलग रहता है सो so, वो एक्सपीरियंस अगर ना करने दू मैं चीज़ हो तो ऑब्वियसली उसको वो चीजें समझेगी नहीं और जितना ज्यादा uh, मैं आज के दौर पे उसको कनेक्ट करूंगी नेचर से उतना ज्यादा उसको इजी होगा बहुत सारे लाइफ के जो चीजें रहते हैं ना हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है चलो चाहिए कहीं हरियाली में जाते हैं घूमने के लिए नेचर से कनेक्ट होते हैं एक दो दिन वहाँ से रिफ्रेश होके फिर हम लोग स्विच बैक हमारे काम को कर सकते तो हम लोग पंच इंद्रिय से बने हैं तो ऑब्वियसली हमारे जो पंच इंद्रिय है वो पंच महाभूतों से बने हैं तो अगर हम जितना ज्यादा पंच महाभूतों से कनेक्टेड रहेंगे जो कि नेचर में है अलग अलग तौर पर उतना हमारे लिए इजी होता है दैट आई अंडरस्टैंड सो

हम लोगों को समझना चाहिए कि कितना हम लोगों को रिस्क भी करना है एंड क्रिएटिविटी चीज़ जो है वो हम लोग सीख सकते हैं सीखते हैं अपने लाइफ में जैसे भी uh, मैं इंजीनियरिंग में थी और एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं असाइनमेंट्स जब कंप्लीट करती थी तो मुझे पता था कितना टाइम एक असाइनमेंट कम्प्लीट करने के लिए लगता है एंड वही चीज़ जब मैं अलग अलग बिकॉज असाइनमेंट भले एक ही तौर एक ही असाइनमेंट पूरे सिक्सटी बच्चों को रहती मगर सबका अपना एक टैक्टिक रहता है वो असाइनमेंट को कंप्लीट करने का तो मेरा ऐसा रहता था कि मेरी कर्सिव हैंड राइटिंग जिसको रनिंग हैंड राइटिंग भी बोला जाता है वैसे थी मगर अगर मुझे पता है कि टाइम फ्रेम में कंप्लीट नहीं होने वाली कोई असाइनमेंट तो पहले मैं ये फोकस करूंगी कि मैं पहले पूरा डायग्राम्स कितने हैं वो कैलकुलेट कर लूँ और उसके हिसाब से फिर डायग्राम्स पहले ड्रॉ कर लूँ और थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ छोड़ के डायग्राम्स कर लू बिकॉज दैट वॉज द थिंग दैट यूज टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम सो आई वुड डू दैट

एंड डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट थिंग्स की हम लोग पढ़ाई करने के वक्त जो टैक्टिक्स रहती है सबकी अलग अलग रहती है मेरा ये था कि मैं कोई भी चीज़ कोई भी आंसर को अगर मुझे ध्यान में रखना है तो आई वुड फॉर्म इट अ इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी देन मैसे मेन मेन जो वर्ड्स रहते थे उनका सबका इनिशियल्स कलेक्ट कर लेती थी उसका एक वर्ड बनाती थी और वो वर्ड जो है वो वर्ड ध्यान में रखती थी और उससे वो मुझे पूरा आंसर जो है वो एकदम click ho jata tha so yeh mera tactic tha. but this came into formation when i started studying when i talked to my dad how he used to study how he used to summarize his answers it had really helped me so combining his tactics my tactics together i got a way where i used to write a page full of answers and so you can also use different tactics but the thing is you need to have that space of showing the creativity so the first point over here uh, the, the, how creativity happens is given like four five pointers which i'm going to read out the first one is importing ideas from one industry and intelligently adapting them to another industry so obviously her system employ that is how the tactics are

उनके पीसेस हम लोगों को ज्वाइन करने पड़ते थे तो आप देखोगे कि कितनी बार सेम सेम पीसेस अगर ज्वाइन करते तो कुछ अलग ही बन जाता था तो जरूरी नहीं हर टाइम कुछ क्रिएटिव और कुछ अच्छा ही हो कुछ अलग हो जाता था एंड दैट वाज द स्पेस फॉर यू टू यूटिलाइज वो टैलेंट आपका सो so, ऐसे ही हर चीज का रहता है कि जो प्रोडक्ट्स या जो चीजें ऐसे कभी दिखती नहीं है कि वो एक साथ जा सकती है एंड यू स्टडी थिंग्स यू स्टडी दोज एंड देन यू कम अप विद अ डिफरेंट थिंग प्रबेबली जैसे चाय का इन्वेंशन आई गेस जब सोचा गया था तो आई गेस इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे ट्रेडिशनली पीपल यूज टू हैव समथिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ मॉर्निंग चेंज्ड बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ टी एंड दैट एक्सीडेंटल सो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ चाय पत्ती दूध पानी और ये सब चीजें कैसे एक साथ आकर कैसे बेहतरीन एक प्रोडक्ट दिया ऑब्वियसली बेहतरीन है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं वो अलग बात है बट आई एम टेलिंग यू टेस्ट वाइज बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं हालांकि मैं इसके लिए कभी एडवर्टाइज नहीं करना चाहूंगी मैं चाय या कॉफी नहीं पीती तो मुझे ये पता है कि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बट एक बेहतरीन प्रोडक्ट निर्माण हुआ उस एक्सीडेंटली नेक्स्ट तीसरा जो है फॉर्मिंग न्यू कनेक्शन बिटवीन डिसिमिलर आइडियाज इंडिपेंडेंट और इवन इन फोर्थ इज डिस्कलिटी बिटवीन अनरिलेटेड इज अनकवरिंग न्यू पैटर्न सिक्स्थ इज सीजिंग सेरिन सो लॉट ऑफ पीपल वुड है तो इसका अर्थ मैं बोलना चाहूंगी कि

हा सहावा पॉइंट होता मुव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज अँड व्हॉट इज क्रिटिकल थिंकिंग म्हणजे दोन टाईपच्या थिंकिंग असतात क्रिएटिव्हिटी जी आहे एक ती आणि दुसरं जी थिंकिंग असते ती असते क्रिटिकल थिंकिंग याच्याविषयी भरपूर वेळा आपल्या प्रोफेशनल वर्ल्डमध्ये आपल्याला ऐकायला मिळतो देर इज अ देर इज लिटल ॲग्रीमेंट ऑन व्हॉट क्रिटिकल थिंकिंग इज बट देर इज कन्सेन्सन्स दॅट इट इन्वॉल्वस challenging tradition which is the way of doing things and is passed on from one person to another generation to generation. Manje, um, i remember uh, mandirath uh, hey, information hoti. that's a karan ka hai, so there is a big reason for it and uh, it's a very good reason. so if, uh, wherever you see there are mandis, there are temples, Ithe positive power there. अँड वेन यू आर इन टू युअर पिरियस यु हॅव युअर नेगेटिव्ह यू युअर बॉडी इज इन टू अ प्लेस वेर इट ड्रोज अ लॉट ऑफ एनर्जी तर ती खूप अट्रॅक्ट करून घेते तर ते नेगेटिव्ह एनर्जी जी असते तुझ्या तुमच्या बॉडी बॉडीमधली सॉरी आणि त्या मंदिरातली पॉझिटिव्ह ते कोलाईड करते आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला शरीरावरती काही ना काही त्याचे प्रभाव जाणू शकता त्याच्यानी तब्येत खराब होऊ शकते हेल्थ वाईज ते चांगलं नाहीये आणि त्याच्यामुळे तुम्ही मंदिरात नाही जाल पाहिलं असं त्याचं रिझन आहे पण हे बहुतांश लोकांना माहिती नव्हतं म्हणजे मला ज्यावेळेस पिरियड झाले मी जेव्हा विचारलं असं का करायचं तर माझ्या मम्मीने मला सांगितलं होतं हे रिझन आणि पण त्याच्या आधी मी भरपूर लोकांना म्हणजे माझ्या आजी यांना त्यांना विचारून झालेलं होतं कारण मला हे होतं की किती लोकांना याचं रिझन माहिती आता अप, हे माझ्या मम्मीला माहिती असायचं कारण हे माझ्या कदाचित डॅडींमुळे असेल ते वैद्यकीय प्रोफेशनल असल्या कारणामुळे ते त्यांना माहिती असेल पण हे जेनली किती लोकांना माहिती ते एका पर्सन टू दुसऱ्या पर्सन फक्त एवढंच माहिती की अरे मंदिरात नाही जायचं तर ही एक एक्झाम्पल सांगते एक मी त्याला क्वेश्चन करणं हे खूप गरजेचं आहे की गहू हा खूप जास्त काने खायचा त्याचं कारण आहे पुन्हा का आपण बाजरी ज्वारी हे खायला पाहिजे त्याचे इन्ग्रेडियन्स काय आहेत राग ही अगदी रोज का नाही खायची त्याचं काय कारण आहे म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला आता मी हेल्थचे क्वेश्चन्स विचारते असे भरपूर ठिकाणी तुम्हाला भरपूर क्वेश्चन्स असतील म्हणजे मी मार्केटिंगमध्ये भरपूर लोकांना सांगते अरे सगळ्यांनीच एसईओ करायची गरज नाहीये सगळ्यांनीच एस एम एम करायची गरज नाहीये तर का आता तुमचे बिझनेसचं मॉडेल काय आहे त्याची काय गरज आहे त्याला कुठली मार्केटिंग टाईप लागते का ऍडव्हर्टायझिंग लागणार आहे किंवा सेल्स कशाला लागणार आहे तर ह्या सगळ्या गोष्टींना विचार कराव्या लागतं यू हॅव टू ऑलवेज गि अ थॉट टू टू एव्हर नेक्स्ट क्वेश्चनिंग आर एक्सेप्टेड ट्रू ऑर एज सर्टन टू विदाउट प्रूफ म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला क्वेश्चन करा उगाचच म्हणजे प्रश्न विचारायचे आहेत किंवा कोणाला तरी गोंधळात टाकायचं किंवा उगच कोणाला कमी लेखायचं म्हणून प्रश्न विचारणं नाही क्रिटिकल थिंकिंग मध्ये म्हणजे तुम्ही जेन्युनली आन्सर सीक करत आहात आणि uh, अजेम्शन्स uh, कसे फॉर्म होतात तर आपल्याला माहिती आहे कुठल्याही गोष्टीला एक आपल्याला माहिती नसतं आणि त्याची uh, खूप कमी माहिती असल्या कारणामुळे कदाचित uh, एक अफवा पसरते त्याच्यामुळे क्वेश्चन्स ह्या विचारायचे त्याला प्रूफ जर असेल तर क्या बात आहे म्हणजे ती इन्फॉर्मेशन आपण व्यवस्थितपणे लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो त्याचा व्हिडिओ आपण बनायलाच पाहिजे त्याच्यानंतर येतं डिफाईंग नॉर्म्स विच आर रिगार्डेड एज नॉर्मल ऑर टिपिकल त्याच्यानंतर रिजनिंग थ्रू लॉजिक क्वेस्टनिंग डेटा इन्फॉर्मेशन अँड नॉलेज अनालाइजिंग इश्यूज ऑब्जेक्टिव्हली बायव्हिंग क्वेश्चन्स फिल्टरिंग आउट बायसेस नॉट फॉलिंग विक्टम टू द थॉट्स पॉसेसिंग डायव्हर्सिटी ऑफ थॉट्स सो म्हणजे क्रिटिकल थिंकिंग म्हणजे काय तर त्याचे हे वेरियस पॉइंट आहेत की तुम्ही बरोबर काय आहे ती इन्फॉर्मेशन जाणून घ्यायची त्याच्यानंतर ते बायस नाही आहे ना त्याच्यामध्ये अफवा काही नाही आहे त्याचे प्रूफ्स होत आहेत का तयार हे बघणे म्हणजे अशा विविध गोष्टींनी जेणेकरून जी इन्फॉर्मेशन आहे तीच लोकांपर्यंत पोहोचेल ना की त्याला आजूबाजू मसाला मिरची लावलेलं ओके द नेक्स्ट इज वाय डू पीपल फ्रेम फ्रॉम फ्रेमिंग क्वेश्चन्स लोक का प्रश्न करत नाही वाय सो मेनी पीपल बिलीव्ह दॅट दे ऑलरेडी नो द आन्सर समटाइम्स दे आर राईट बट मोस्टली दे आर रॉंग भरपूर लोग सगड़े उत्तर सग पा जो थॉट है ना तो चुकी पीपल आर इग्नोरंट अबाउट द्वेस्टन कैन ऑफ अो एफर्ट टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्रेमिंग द राइट क्वेश्चन पुनः प्रश्न बोलते बोलते मेनी पीपल आर इग्नोरंट अबाउट द एडवांटेजेस वेल फ्रेम राईट क्वेश्चन कॅन ऑफर तर एखादा चांगल्या पद्धतीने प्रश्न विचारलेला ऍक्च्युली तुम्हाला खूप चांगलं उत्तर देऊ शकतो किंवा तुमच्या डाऊट uh, सॉल्व्ह करू शकतो आणि त्याचे ऍडव्हानेजेसच किती लोकांना माहिती नसल्या कारणामुळे ते तो एफर्ट्सच घेण्यात काही इंटरेस्टेड दाखवत नाही इंटरेस्ट दाखवत नाही द एज्युकेशन सिस्टम डज नॉट टीच स्टुडंट दी आर्ट ऑफ फ्रेमिंग द राईट क्वेस्टन Instead, the system frames the questions and students are expected to provide answers. I remember my dad told me that whenever you have a doubt, you just put your hand up and question. Now, uh, when you're sitting in a classroom of 60 people, where uh, you know the expert students are those who answer, but not those who questions. Those who question, sorry. So, uh, I was one of the good students in my school, college. And whenever I, but I had this habit because my dad had told me, if you don't understand, just raise your hand, question. And I had put this thing into my mind. If I don't understand, I have to raise my hand. Even if it sounds silly, people will laugh, but then I'll at least get an answer, whatever it is. Uh, most of the times, my teachers were very good to me and they've answered my questions. But at times, my teachers have told me that, sit down.

रहते हो वैन यू आर जस्ट आउट डेलिवर्ड एज अ बेबी टू फाइव इन दो ज्यादा फॉर्मेट फाउंडेशन वाले साल वही होते हैं फिर आगे कुछ भी हो यू वुड मेक मिस्टेक्स यू वुड फॉल डाउन यू वुड मेक बैड चॉइस बट

बट यू हैव टू लर्न टू स्ट एन हास क्वेश्चन दैट इज हाउ एंड बताओ एक चीज मजेदार ये ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हंसेंगे ना उनको खुद को आंसर नहीं पता रहता उनको अगर आप बैठकर पलट कर यही सवाल पूछो कि भैया मैंने जो क्वेश्चन पूछा अगर आपको लग रहा है आपको आंसर पता है तो प्लीज बताओ तो इसमें से बहुत सारे लोगों को आंसर पता नहीं होगा बस किसी की खिल्ली उड़ानी है इसीलिए वो उड़ाएंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही एक ने दो ने चार ने पांच ने दस बार पूछो मगर वो चीज क्लियर कर लो अपने मन से वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बिकॉज लाइफ में जितनी ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आपको रहेगी उतना ज्यादा ईजी सक्सेस आपको मिलेगा ईजी नहीं बोल सकती मगर उतना आपको सॉर्टेड तरीके से सक्सेस की तरफ जाने के लिए एक रास्ता मिलेगा

ग्रेट problem सॉल्वर्स आर मेड नॉट born. जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम solve करोगे अपने लाइफ में उतना ज्यादा अच्छे आप प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनोगे राइट right? अगर मैं मुझे गाड़ी बहुत अच्छी आती है चलानी फॉर एग्जाम्पल मैंने घर पे पार्क करके रखी और ये चीज मैं बोल रही हूँ मैं कभी गाड़ी नहीं चलाती मैं हमेशा ड्राइवर लेकर जाती हूँ या किसी और के साथ टू व्हीलर पे जाती हूँ पीछे बैठकर मैं ये बोलती हूँ मैं बहुत अच्छा ड्राइवर तो मैं अच्छी ड्राइवर नहीं हूँ ओब्वियसली बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ कभी किचन में एक चम्मच तक नहीं उठाती ऐसा अच्छा खाना बनाते हैं अभी रोज जो इंसान खाना बनाएगा अच्छा उसके हाथ में वो स्वाद रहेगा ही बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ये समझने की चीज है और ये सबको करनी ही पड़ती है अगर मुझे खाना अच्छा बनाना है तो मुझे रोज बनाना पड़ेगा मुझे अगर ड्राइविंग अच्छी करनी है तो मुझे रोज़ चलानी पड़ेगी अगर मुझे अ, हेल्थ केयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे रोज पढ़ना पड़ेगा हर चीज को आपको रोज करना पड़ेगा तब जाकर आप उस चीज में परफेक्ट होते हो और तो भी आप नहीं होते इनफैक्ट आपके कितने साल गुजर जाते हैं आप नई चीजें रोज सीखते रहते हैं तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि आप किचन के अंदर मैं आप एग्जाम्पल एक औरत के तौर पे आपको दे रही हूँ कि अगर मैं किचन में घुसती हूँ तो सत्रह हजार प्रॉब्लम चलती है यहाँ पे एक गैस पे कुछ Uh, रोटी बन रही है दूसरे गैस पे कुछ खाना पक रहा है अरे कहीं छोटा बेबी अगर आपके पास होगा तो बीबी रोने लग जाएगा कहीं आपके घर वाले बुला लेंगे आपके बिजनेस के कॉल्स आएंगे तो सत्रह चीजें आप मैनेज करना तब सीखते हो ना जब आप उस जगह पर खड़े हो बैठे बैठे ही अगर आप बोलोगे अरे यार कितना डिफिकल्ट लाइफ है इतना सब है मुझसे तो नहीं होगा तो वो वैसे भी नहीं होने वाला एक भी काम नहीं होगा खुद जब जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा नेक्स्ट इज

of new business opportunities which would have remained undiscovered but for framing the right question. So सिर्फ questions, questions करना है हम लोग उस पर ही नहीं फोकस कर सकते हम लोगों ने ये भी जानना इम्पोर्टेंट है, है कि राइट right. अगर कोई आंसर आपको चाहिए ना जो एकदम फ्रेम वाला आंसर चाहिए जो एकदम एक्यूरेट हिट करने वाला आंसर चाहिए तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी उस लेवल का वैसे क्वेश्चन होना चाहिए आंसर आपको अगर एकदम राइट right चाहिए तो

जल्दी इन द सेंस उनका लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है जल्दी इन द सेंस अगर वो राइट क्वेश्चंस नहीं पूछते तो जितना टाइम उनको लगा उससे कहीं ज्यादा टाइम लग जाता शायद या फिर वो नहीं बन पाते ऑफिसर ऐसे मुझे लगता है बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सॉलिड पूछे उन्होंने और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हर चीज के तौर पर गौर किया है दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड इट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग

कि हम लोगों ने लाइफ लॉन्ग सीखते रहना है और वो हम लोगों को कोई स्केप ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी मॉम को हमेशा देखती हूँ कि उनको अगर मैं कोई टिप बता दूँ ना किचन में तो वो तुरंत तो बोलते अरे ये अच्छी ये मैं इंकलकेट करके देख सकती हूँ सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज शी हैज ऑफ लर्निंग अदरवाइज दिस हैपन एट द एज ऑफ फोर्टी इज स्टिल ओके एंड ओपन टू लर्निंग्स फ्रॉम मी where i've learned a lot from her when it comes to cooking she can cook so many varieties of food but she is learning and that is the reason her knowledge of food the nutrients um, different tips and tricks that you need to use in kitchen are increasing every single day because she has this attitude of learning and this is just a small example you might find these examples around you your siblings your parents your spouses, your children, anybody who is very open to uh, communication, who is very open to understanding and learning, that person you would see is going to be blessed, happy, and that person is always enriched with a lot of knowledge. Very positive because that person does not have one way to get to things. Because of a lot of tips and tricks learned from other people, a lot of times these people are not going to repeat the mistakes and uh, their path becomes. Uh, sorted for them. I hope this particular podcast episode has helped you in some way. If it has, please share this podcast episode with your friends and family. Until the next time, this is me signing off. Love and peace. Jai hind